लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे जी देवी विशाखा कहाँ है? रुकिए अभी दिखाते हैं हम अपनी विशाखा भौजी को। हाँ मेरे लिए ये शादी किसी धोखे से कम नहीं है। मैं शादी को नहीं मानता, नहीं मानता मैं शादी को। फिर? क्या तुम विशाखा हो? हाँ मैं ही विशाखा हूँ। पंडित ब्रजमोहन शास्त्री की बेटी? हाँ मैं विशाखा शास्त्री हूँ। क्या क्या मेरी शादी तुमसे हुई है? पर ये बात आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि कंगन, ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर? ये बिल्कुल सच है मौसी जी, वृंदावन की सबसे सुंदर लड़की ढूंढ कर लाए हैं आप। बहुत प्यारी है बेटा। जो आंख से दिखता है सिर्फ वही सुंदर नहीं होता। मेरी छोटी बहू तो सूरज से भी सुंदर है और सीरत से भी सुंदर है। सच कब हुआ जी आपने? शास्त्री जी की बेटी है। अरे उनके घर की मिट्टी को भी ब्रजवासी पवित्र मानते हैं, फिर वो तो उनका सोना है ना। शास्त्री की बेटी का जो रूप मैंने देखा है, वो जब सबके सामने आएगा तब सबको पता चलेगा कि शास्त्री के घर से मिट्टी आई है, सोना नहीं। देव भैया कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम था। नहीं नहीं नहीं, जब तक ये पूजा नहीं हो जाती आप घर से बाहर नहीं जा सकते। चलिए अंदर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं भाई, आइए ना, आइए ना देव भैया। अरे देव, वो अकेला आ गया। छोटी बहू कहाँ है? अब तेरी शादी हो गई है, अब जहां भी जाना है जोड़े घोड़े में ही जाना है। दादी माँ, वो बात ये है कि छोटी बहू को ना जल्दी उठने की आदत नहीं। मैं जब सुबह उठाने गई थी तब भी दरवाजा देव ने ही खोला था। क्यों देव, है ना? होता है बहू, नई नई शादी में ऐसा ही होता है। अब तुम अपना ही वक्त याद करो ना, तुम तो इतना लेट उठी थी कि मुहूर्त ही निकल गया। दूसरे दिन पूजा करवानी पड़ी थी, है ना? देव, बात बहुत छोटी सी है, तुम पहले आ गए इसीलिए हमारी छोटी बहू पर
देर से आने का दोष लग गया। आगे से ध्यान रखना, पति पत्नी को हमेशा साथ चलना चाहिए। जानता है 30 साल हो गए, लेकिन आज भी बड़े गर्व से कह सकती हूँ मैं कि तेरे बाबूजी से अच्छा पति इस पूरे संसार में नहीं है। अब तुम्हें भी वही बनना है, एक अच्छा पति बनकर दिखाना है। चलो जा जा। आ गई हमारी छोटी बहू। जीजा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। कहीं सब तुझे बुद्धू और पागल तो नहीं समझ रहे? मुझे जाना है। तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, वो इसे घर की याद आ रही है। इसे क्या याद आ रहा है वो छोड़ो, तुम क्या भूल रही हो ये बता। जी, मैं हाँ, बड़ों के पैर छूना। सॉरी, वो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, पति देव से ही शुरुआत कर लो। जी। ओह प्लीज नॉट माय। ये क्या विशाखा, तुमने तो अपनी मांग में सिंदूर ही नहीं भरा।
मेरे संस्कार कह रहे हैं मांग का सिंदूर मिटाया नहीं जाता, और मेरी मजबूरी कहती है कि मैं मांग में सिंदूर नहीं रख सकती। ये सवाल तुमने मेरी जिंदगी में उठाया है, तुम ही तो थे जिसने मुझे हाथ पकड़कर मंडप में बिठाया था। अब तुम्ही को इसका जवाब देना है काना। क्या करूं मैं सिंदूर का? बोलो ना काना, क्या करूं मैं सिंदूर का? हम बताती हैं तो को अम्मा, काना से क्या पूछती हैं? अब हम बताती हैं, तू जानबूझकर ही सिंदूर मांग में छिपाए रही ताकि लल्ला तो को देखे, सौ सवाल करे और फिर बवाल मचे। इससे पहले कि इस सिंदूर कोई देखे, मिटा डाल इसको। चल चल मेरे साथ। धीरे क्यों चल रही है? पैर में छाले पड़े हैं तेरे, जल्दी चल चल। चला आ इधर, चल चलना। राधे 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 राधे, मिटा अपना सिंदूर। दीदे फाड़ के क्या देख रही है? मिटा दे सिंदूर। सॉरी, कोई बात नहीं, हमारी छोटी बहू को बस भूलने की बीमारी है। जल्दी उठना भूल गई, बड़ों के पैर छूना भूल गई, यहाँ तक कि मांग में सिंदूर भरना भी भूल गई। ये तो याद है ना कि तुम्हारी शादी हमारे देव से हुई है? मृणालिनी, बेटा नई नई शादी में होता है ऐसा, बात को बिगाड़ो मत। आओ विशाखा जी। बहू, आगे से ध्यान रखना बेटा, सिंदूर का महत्व तुम समझती हो ना? ये गलत नहीं है अम्मा? गलत सही का फैसला करने के लिए हम अभी जिंदा हैं।
तो कुछ संकोच हो रहा है ना, संकोच हो रहा है सिंदूर मिटाने का, तो हम ही मिटाई देती हैं। बैठ बैठ। आ गया सिंदूर। लगाकर तुमों को जमुना स्नान करना पड़ेगा, लेकिन मोरी पोती का सिंदूर तोरी मांग में नहीं रहने देंगी, मिटा कर ही रहेंगी। ये क्या कर रही हैं अम्मा जी आप? अम्मा जी, सिंदूर भले ही राधिका की मांग में हो, पर है तो विशाखा के सुहाग की ही निशानी ना। इसको मिटाना ठीक नहीं है, अपशगुन होगा। अरे बहू, अब भला का है बुरा का है तू मोको समझावन चली आई? 3 आंखों ने बहुत जमाना देखा है, इका इका ये सिंदूर का नाटक तो इस समझ में काहे ना आवे। विशाखा डोली में बैठकर चली गई, बात खत्म। अब ई अपनी मांग में सिंदूर छुपाए ठाकुर जी के सामने नौटंकी मचाए। अरे वो कहते है ना, 100 बरस जल में रहे पत्थर ना छोड़े आग। अब ये पत्थर तो आग उगल कर मोरी पोती का भाग जलावन चली है। मोरे जीते जी ये ना होगा बहुरिया, ना होगा। मैं तो ई को मिटा के ही रहूंगी।
बिटिया, अम्मा ने जो किया ठीक किया अम्मा। जब एक बार मेरे भाग्य का निर्णय हो गया है तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं बार बार सवाल उठाऊं।